महिला ने अपनी जिंदगी में वो दिन देखना शुरू किया है। सिर्फ विचारधारा हमारी एक थी कि मैं मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। अरावती में दंगल हुए तो बहुत सारे नेते निकले और वहां पर जाके जी हजूरी कर रहे थे। अरे नवनीत राणा के खून में अगर एक एक कतरा किसी ने देखा है राजनीति के लिए, मेरा धर्म नवनीत राणा कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी। राजनीति गई खड्डे में, मेरा धर्म और मेरा भगवा किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी, ये याद रखना जितने राजकीय लोग हैं। आणि आमची वहिनी यांना सुद्धा मी जेव्हा जाऊन भेटली तेव्हा यांचं दुःख महिलाच समजू शकते। आप ही महिला एक महिला की भावना समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। जिसके साथ होता है उसी को इसी चीज की कल्पना होती है, दूसरा कोई इसका अंदाज भी नहीं लगा सकता है कि महिलाओं की जिंदगी में उसकी परछाई अगर ऐसे एक्सीडेंट से अगर जाती है तो जिंदगी में वो महिला बिना परछाई के पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी। ये महिला ने अपनी जिंदगी में वो दिन देखना शुरू किया है। सिर्फ विचारधारा हमारी एक थी कि मैं मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा करके उस कोल्ले की जान लेने का काम ये अमरावती में कुछ राजकीय लोगों के कारणों से सपोर्ट किया गया। जब हमारे अमरावती में दंगल हुए तो बहुत सारे नेते निकले और वहां पर जाके जी हजूरी कर रहे थे। अरे नवनीत राणा के खून में अगर एक एक कतरा किसी ने देखा है राजनीति के लिए, मेरा धर्म नवनीत राणा कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी। राजनीति गई खड्डे में, मेरा धर्म और मेरा भगवा किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी, ये याद रखना जितने राजकीय लोग हैं। और इस जगह पे जितने मेरे लोग रहते हैं जिसकी विचारधारा इस देश के लिए है, जो भगवे के लिए जीते हैं, मैं नवनीत राणा आप लोगों को शब्द देती हूँ कि जब तक नवनीत राणा बहु करके इस अमरावती क्षेत्र में है, दूसरा कोल्ले कांड मेरी अमरावती में मेरी धर्म के लोगों के साथ नवनीत राणा होने नहीं देगी, इतना शब्द मैं आप लोगों को देती हूँ। अरे रवि जी, आपन जे गोष्ट करता है कि कोणी वाईट मध्ये आहे, अरे ज्या दिवशी हिची कमतरता आमच्या धर्मामध्ये आणि हिंदुस्थान मध्ये झाली त्या दिवशी हिचे समोर कोणी टक्कर देण्यासाठी उभा राहील आणि कोणी कॉम्पिटिटर बनल या धर्माचे समोर, या विचारधारा समोर अमरावती मध्ये नाही पूर्ण देशात या वेळी परत मोदी जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होतील आणि ती विचारधारा या देशावर जाऊन बसतील। अमरावती मध्ये अजूनही आमची विचार कुठे मरले नाही। अरे घरा घरा मध्ये भगवा घेऊन ये लोक जीत आहे। मी आपल्याला सांगते कोण संजय राऊत, जेवढे महिला इथे बसलेले आहे वैसे भी सीता को भी नहीं छोड़ा गया। और हम जब क्षेत्र में काम करते हैं, अरे मेरे फादर मुझ पे बोलने से पहला मेरे बाप के नाम निकालते हैं, मुझ पे बोलने से पहला मेरे बाप का नाम निकालने से पहला पहले मेरा इतिहास जाके पढ़ लो कि मेरे पिताजी ने ये देश के लिए बॉर्डर पे योगदान दिया है, देश की सुरक्षा के लिए सेवा दी है, उन्होंने बॉर्डर पे सेवा दी और नवनीत राणा ने अमरावती में लोगों के लिए सेवा दे रही है। और जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल मेरे लिए किया है, उन्होंने एक बार अपनी बेटी को जब विदा किया ना, उनके बारे में जरूर सोचना था। उन्होंने जिस पेट से जन्म लिया उस मां के बारे में जरूर सोचना था। जो जीवन साथी है उनकी धर्म पत्नी, एक महिला पे इस तरीके से इस लेवल पे जाके बात करने से पहला अपनी पत्नी को जरूर देखना था। एक आधी महिला अगर बाहर काम करती है तो अपना स्वाभिमान नहीं बेचती है। और ये क्षेत्र की तो मैं बहू हूं और बहू करके जब मैं काम कर रही हूं, मेरी इज्जत सिर्फ नवनीत राणा अकेले लेके नहीं, इस क्षेत्र की हर एक महिला की इज्जत मेरे साथ बंधी होती है। वो हर एक महिला की इज्जत लेके मैं क्षेत्र में काम कर रही हूं। और ये महाराष्ट्र की जनता और अमरावती जो अंबा नगरी से पहचानी जाती है, आपका आपको बुलाने का कारण एक ही है क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं यहां पर।
अरे जो राम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, अरे यही वो कांग्रेसी हैं। 27 वकील लगाकर राम मंदिर के विरोध में एडवोकेट खड़े करने वाले यही कांग्रेसी हैं, जो राम भगवान का मंदिर नहीं बनना चाहिए उसका विरोध करके एडवोकेट को पैसे देने का काम ये कांग्रेसियों ने किया है। अरे 10 साल में भगवान ने ऐसा एक व्यक्ति इस देश में भेजा है जो 500 वर्षों का इतिहास मोड़ता है और 10 वर्षों में राम भगवान को, राम लला को उनके स्थान पे विराजमान को अपनी जगह की मूर्ति उधर खुलेगी क्या? नहीं।